आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशन साइड में जी, एक नंबर प्लेटफार्म लाइन तिरछी हो रही है। अच्छा, वो बाबा की करामात है, उस लाइन में जब तिरछा करके निकाला गया जी, तो फिर वो ट्रेन वहाँ से गुजरी और अलहमदिल्ला आज तक चल रही है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नाज़रीन, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका दोस्त आमिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर अहमद ऑफिशियल। अल्हम्दुलिल्लाह हम हाजिर है अलीगढ़ में। तो अलीगढ़ में इससे पहले भी हमने वीडियो बनाया है AMU का, तो इस बार हम जा रहे हैं कठपुला नाम की जगह है, वहाँ पर बरसी बहादुर नाम की एक दरगाह है, यानी हज़रत का नाम बरसी बहादुर ये कहा जाता है। तो वहाँ पर चलेंगे इंशाल्लाह, तो उनके बारे में हिस्ट्री करवा वगैरह जो भी मालूम पड़ेगी इंशाल्लाह तो आपके शेयर करेंगे। तो चलिए निकलते हैं वहाँ के लिए। उससे पहले जैसा कि हमारे वीडियो हमेशा होता है कि हम जो कुछ ना कुछ दुरूद शरीफ की फजीलत वगैरह बताते हैं, कुछ ना कुछ फजीलत बताते हैं ताकि इससे यानी दुरूद शरीफ पढ़ने की हमारे अंदर जो आदत है वो बने। तो दुरूद शरीफ की फजीलत, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका मफहूम है कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ना पुल सिरात पर नूर है। पुल सिरात तो सबको पता ही है, तो पुल सिरात पर नूर साबित होगा। और जो बंदा मुझ पर जुम्मा के दिन जुम्मा के रोज़ 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा तो उसके 80 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो क्या ही बेहतरीन फजीलत है दुरूद शरीफ की, और क्या ही मरतबा है दुरूद शरीफ पढ़ने वालों का। तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा करें रोज़ाना, कोशिश करेंगे 313 मरतबा रोज़ाना दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें, इंशाल्लाह तआला हमारा शुमार जो है कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने वालों में हो जाएगा। तो आइए बिना देर करे चलते हैं, अब आप दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दीजिए इंशाल्लाह तआला। अल्लाह ने चाहा तो वीडियो के एंड होते होते इंशाल्लाह आपके 313 मरतबा दुरूद शरीफ कम्प्लीट हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन हम आ चुके हैं दरगाह शरीफ पर, पीछे आपको दिख रही होगी, मैं अभी राइट नाउ ब्रिज पे खड़ा हूँ, ब्रिज के नीचे दरगाह शरीफ है। तो यहाँ पर चलेंगे इंशाल्लाह तो जल्द और आपको याद कराएंगे और देखेंगे अगर कुछ पॉसिबल हुआ तो, अगर कोई मिला तो इसकी हिस्ट्री और करामत वगैरह भी जानेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। सरकार को आते जा
जाते देख लेते थे जो सरकार को आते जाते। ये वो रोज़ा है जब सब पे असरारे इलाही नहीं खोले जाते। सब पे असरारे इलाही नहीं खोले जाते। ये वो रोज़ा है जहाँ दिल नादरी अलहमदिल्ला हम यहाँ पर बैठे हैं माशाल्लाह आस्थाने पर, और हमारे साथ जो है यहाँ के जो खादिम साहब है खिदमत गुजार है माशाल्लाह, तो ये भी जलवा फरमाए, तो इंशाल्लाह उधर इसके बारे में हिस्ट्री इन्फॉर्मेशन वगैरह जो जो भी इंशाल्लाह उधर इनसे जानेंगे, तो आइए सुनते हैं। आस्थाना है हजरत बाबा बरसी बहादुर रहमतुल्लाह, आपका असली नाम है सैयद तहबूर अली, बरसी बहादुर मारूफ नाम है। इसके बारे में कहा जाता है कि सरकार बाबा बरसी बहादुर के बाद में हजरत अली करम अल्लाह ताला का जो कि एक बरसी थी जो उस ज़माने का एक आर्म होता था, एक हथियार होता था। अच्छा, आप उसके चलाने के माहिर थे, इस वजह से आपको लगा मिला बरसी बहादुर। माशाल्लाह, आपके पीरो मुर्शिद बाबा कुतुबुद्दीन अख्तर कादरी रहमतुल्लाह मेहरौली शरीफ दिल्ली। माशाल्लाह, आप 13वीं शताब्दी में अलीगढ़ में आई जी, तब से आप आराम फरमाए। 1286 ईस्वी में शायद आपका विसाल हुआ। उस समय जो हमारे अलीगढ़ का जो एक शहर होता था अलीगढ़, वो एक चारों तरफ बाउंड्री के अंदर था, ऊपर कोट का इलाका है, ये अलीगढ़ शहर होता था, तो यह वीराना था, जंगल था जी। जी, जंगल में सरकार ने अपना आराम फरमाया, मतलब उस वक्त में जंगल था, ये जंगल था जी। जो बाद जी टी रोड बना 16वीं शताब्दी में जी, 1872 के बाद अंग्रेजों ने काम शुरू किया पटरी का, जो हमने पटरी बाहर देखी दिखाई आप देख रहे हैं, साथ में रेलवे स्टेशन है जी। तो उन्होंने क्योंकि यहाँ पर कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं थी उस ज़माने में, आपका उस ज़माने में हम मध्ययुगीन काल में जाते हैं, उस ज़माने के हम मकान देखते हैं या किले देखते हैं, तो एक ईंट होती थी ककैया ईंट, पतली ईंट होती थी जी, उसी से निर्माण होता था जी। सरकार का जो रोजा मुबारक है वो ककैया ईंट का बना हुआ था, अच्छी पुरानी कब्र थी जी जी, तो उस पर अटा कोई गौर फिक्र नहीं किया गया, उन्होंने उस कब्रों को कैसे लाइन गुजारी, ये जो अभी जो इसी पे हाँ कब्र मुबारक को नुकसान हुआ। अच्छा, ईंटें वगैरह निकल गई जी जी। जब उन्होंने अलीगढ़ बरेली पैसेंजर को गुजारा गया जी, तो सरकार के मजार के पास में जैसे ही आती थी वैसे वो नीचे उतर जाती थी। अच्छा, कई दिन का ये सिलसिला चलता रहा जी, अंग्रेज मानते मानते नहीं थे जी। तो जब वो परेशान हो गए तो लोगों ने कुछ मशवरा दिया, तो यहाँ के स्थानीय लोग थे, उन्होंने कहा भी कुछ किसी बुजुर्ग से रास्ता कायम किया जाए जी। तो ऊपर कोट में एक शीशे वाली मस्जिद है, शीशे वाली मस्जिद के मियाँ थे सैयद जुर्रार हसन चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े पाई के बुजुर्ग हैं जी। आपने उन्हें बताया कि भी बुजुर्ग हैं, आपने उनसे दूर करके निकाले, उन्होंने मशवरा दिया, उसी रात उसको बसारत हुई, जो उसका चीफ इंजीनियर था उसको बसारत हुई। तो सरकार ने कहा कि भाई आप लाइन को जो है दूर से निकालिएगा, अब हमारे ऊपर इसे निकालेंगे जी। तो उन्होंने एक बहाना बनाया कि भाई हम तो डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, पब्लिक भलाई का काम कर रहे हैं, तो सरकार ने कहा हम उसके खिलाफ कहें। हाँ,
हम तो हैं ही पब्लिक की भलाई के लिए, हम तो खुद हैं। तब तो उस लाइन को अगले दिन जाकर के टेढ़ा करके निकालेगा। आप देखेंगे रेलवे स्टेशन साइड में एक नंबर पिट पैर लाइन तिरछी हो रही है। अच्छा, वो बाबा की करामात है। उस लाइन में जब तिरछा करके निकाला गया जी, तो फिर वो ट्रेन वहाँ से गुजरी और अलहम्दुलिल्लाह आज तक चल रही है माशाल्लाह। अंग्रेजों ने यहाँ उर्स किया, मेला लगाया, बड़ी तादाद में उस दिन से बड़ी तादाद में लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी हर धर्म के माने लोग आते हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है कि वलियों की बारगाह में हमें, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो हमारे हिंदी में एक अल्फाज बोला जाता है कि हमारा भारत में विविधता में एकता जी, विविधता में एकता है। तो वो हम किताबों में तो पढ़ते हैं, लेकिन हम जब गलियों की बारगाह में आते हैं, अब दरगाह पर शिवाज रहमतुल्लाह अलैह पे कभी जुमेरात के दिन आएंगे, आम दिनों में पब्लिक कम होती है, लेकिन जुमेरात में पब्लिक बहुत ज़्यादा तादाद में होती है, तो हम वहाँ पर उसकी जीती जागती मिसाल को देखेंगे कि विविधता में एकता होता है, कहते किसको है, क्यों वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी सब कहे कि मैं बाबा के पास आया हूँ जी, यहाँ अपनी मन्नतें मांगते हैं, अपनी मुरादें मांगते हैं माशाल्लाह सबकी, और वहाँ फैजाब होते हैं जी। अभी देखो अलग अलग धर्म मुतावली लोग आए एक जगह पर आए जी, एक जगह अपनी अपनी अकीदत में आ रहे हैं और सब फैजाब हो रहे हैं। सही। दूसरा क्या है कि यहाँ पर किसी तरह का भेदभाव नहीं है किसी के साथ जी, अपनी अकीदत में आदमी आया है चला जाता है। हाँ, गौर इसमें किया जाता है कि आदमी कुछ गलत तरीके की वजह से तो गलत तरीके दे रहे हैं, तो उनको समझाया जाता है प्यार से कि भाई तरीका ये है जी शाला। तो सब फैजाब हो रहे हैं हमारे अलीगढ़ में। ये जो दूसरों का क्या है कि ये दूसरे साथ में है सैयद जुर्रा हजरत चिश्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने इनके बारे में बताया था, अच्छा मैं पूछने वाला था, उन्होंने खिदमत की यहाँ पर, ये मस्जिद बनवाई जुरान मियां बाबा ने, आस्थाना बनवाया, यहाँ उर्स कराते थे जी, तो सरकार को यहाँ जगह मिली माशाल्लाह। तो ये जो पहली वाली मजार हम देख रहे हैं, ये और हमारे भारत में सिर्फ क्या है, भारत में आज हम जो तहजीब देख रहे हैं, क्योंकि अलग अलग धर्मों की अलग अलग तहजीब होती है, उनका खान पान रहन सहन भाषा सब कुछ अलग होता है जी, आखिर फिर एक साथ मिल के कैसे रहते हैं, ये है विविधता में एकता। तो बुजुर्गों ने ऐसा ये सिखाया कि हम दूसरे लोगों के साथ में कैसा हौसले सलूक करें कि वे हमारे दोस्त बन जाएं, बिल्कुल, और मुआशरे में एक भाईचारा पैदा हो। उसे हम कह रहे हैं इस्लाम का जो सही तबलीग की, इस्लाम की जो सही तबलीग की वो वलियों ने की, और वलियों ने जो तबलीग की गैरों को अपना कैसे बनाया जाता है, बिल्कुल, मुसलमान इस्लाम कबूल करवाया। आप बताइए, हम आज देख रहे हैं कि विषाद फैला हुआ है, एक दूसरे एक धर्म का आदमी दूसरे धर्म वाले से लड़ रहा है, मार काट चल रही है, आपस में ही लड़ रहे हैं वैसे भी लोग, लेकिन जब बुजुर्गों की बात आती है जी मिल जाते तो वो कैसे मिल जाते हैं, जबकि दूसरे धर्म के लोग आदमी हैं, उसका अकीदा है, लेकिन उसे पता है कि जो बाबा यहाँ आराम फरमाए वो मुसलमान है, लेकिन वो उससे मोहब्बत कर रहा है और जो दूसरा है उससे नफरत कर रहा है, क्यों, क्योंकि इस्लाम का जो सही तरीका है वो उस बुजुर्ग का है जिसने गैर को अपना बनाया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही तो तालीम थी, तो ये यही तो दिया कि हम हमारे अखलाक ऐसे होने चाहिए, हमारे अखलाक ऐसे होने चाहिए, हसरे सलूक हमारे जगह गैर हमारे हो जाए, माशरे में अच्छाई पैदा हो, और दरगाहों पे यही दर्श दिया जाता है और यही असली इस्लाम है, सच्चा इस्लाम यही है। तो सूफियात आप कहीं पर भी चले जाओ, आतंकवाद इस्लाम, आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ दिया जाता है, बिल्कुल, लेकिन जब इस्लाम उसकी डेफिनेशन बताई जाती है कि भी अच्छा इस्लाम क्या है, तो हम कहते हैं कि सूफीवाद, सही सही, सूफीवाद को अगर बढ़ावा दिया जाएगा तो हम आतंकवाद से लड़ सकते हैं, सूफीवाद ही आतंकवाद को ख़त्म कर सकता है, सही, और कोई रास्ता नहीं है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपने माशाल्लाह अपना वक्त दिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए।
आपके इल्म अमल में खूब बरकत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल, हम मुसलमान हैं और हम में से कौन नहीं चाहता कि हमारी मगफिरत हो जाए और हमें जहन्नम से बचा लिया जाए, हम जहन्नम में दाखिल ना हो। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने 40 दिन तक सुबह की नमाज इस तरह पढ़ी कि उसकी एक रकात भी फौत ना हुई, तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल उसके लिए जहन्नम और निफाक से आज़ादी लिख देता है। सुबहान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल, ऐसी फजीलतें, काफ़ी फजीलतें हैं नमाज़ पढ़ने वालों के लिए। तो हमें चाहिए कि हम कोई भी अपनी नमाज जो है कज़ा ना करें। हर मुसलमान इन अल्फाजों को गौर से सुने और इनके बारे में सोचे। नमाज पढ़ो इससे पहले तुम्हारी नमाज, यानी तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ाई जाए। कल जब हम नमाज़ पढ़ना चाहेंगे, कल कब्र में जब होगा ना इंसान, तो उसको मोहलत नहीं मिलेगी नमाज़ पढ़ने के लिए। आज हमारे पास वक्त है, आज हम नमाज़ पढ़ सकते हैं, तो आज जो वक्त है उसको यूटिलाइज़ करें, नमाज़ पढ़ें, नमाज़ कज़ा ना करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल अल्लाह ने चाह तो हमारा बेड़ा पार होगा और हम अल्लाह तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल जन्नत में दाखिल होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल। तो अल्हम्दुलिल्लाह नादिन, अल्लाह के फल से आपने विजारत कर ली, हमने विजारत कर ली और इनके बारे में हिस्ट्री, करामत वगैरह सब हमने सुन ली। तो उम्मीद करता हूँ आज के इतना ही, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज के इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसको आप शेयर भी ज़रूर करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले, इन्हें नेक तुम बनाना मदनी मदीने वाले।